हेलो दोस्तों, मैं कल्पना आपका एक बार फिर स्वाद लाजवाब में आपका स्वागत करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फी। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए ये चाहिए हमें एक नारियल। नारियल को तोड़ लिया है हमने और तोड़ने के बाद ये हमने पीसेस कर लिए हैं। अब इन पीसेस को हम छील लेंगे। नारियल की बर्फी बनाने में बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसे आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रि आने वाले हैं और आज एकादशी है, तो नारियल की बर्फी बनाइए और इसे खाइए मीठे में। देखिए, छील चुके हैं हम सारे नारियल को और इसके बारीक बारीक काट के हम मिक्सी के जार में डालेंगे। नारियल को इतना पीसना है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। देखिए, दरदरा है ये हमारा नारियल सारा। एक नारियल से 2 कप हमारा नारियल पिसा है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच घी। और जो गोला है उसको डाल देंगे। हमने कच्चा नारियल यूज़ किया है, तो ये वाली बर्फी आप तुरंत फटाफट से बनाएंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। कच्चे नारियल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे भूनेंगे हम 3 मिनट तक। 3 मिनट हो चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर 1/2 कप। जिस कप से हमने मेज़र किया था इसको, नारियल को, उसी से हमने 1/2 कप मिल्क पाउडर डाला है और 1/2 कप दूध डाला है। इसको स्लो गैस पे ही चलाना है हमें। कोई भी मिठाई बनाते हैं ये ध्यान रखें, हमेशा स्लो गैस ही रहनी चाहिए। देखिए, थोड़ा गाढ़ा हो गया था। अब हमने 1/2 कप चीनी डाल दी है। चीनी आपकी इच्छा पर है। 4 इलायची थी जो कूट के रखी हुई थी मैंने, वो भी इसमें मिक्स कर दी है। देखिए, काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, कढ़ाई से छोड़ने लगा है मटेरियल अपने आप को। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में और खाने में बहुत स्वाद। एक प्लेट पर हमने घी की ग्रीसिंग करी है, जो हमारा मटेरियल तैयार हो गया था उसको इस पर सेट कर देंगे। बहुत आसानी से बन जाती है ये। दवा दवा के सेट कर रहे हैं ताकि जब ये जम करके निकले तो बहुत अच्छे पीस में निकलेगी। इसके ऊपर हम पिस्ता और चाहें तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भी सेट कर दीजिए ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें जम जाएं। चाकू से बर्फी की शेप में आप कट लगा दीजिए, क्योंकि जमने के बाद कट लगाने मुश्किल हो जाता है और ढंग से पीस नहीं निकलते हैं। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये ढंग से सेट हो जाए और हमारे पीसेस बहुत अच्छी तरह से निकले। 2 घंटे हो चुके हैं। जहां हमने चाकू का निशान लगाया था वहां पर हमने एक बार और कट किया है और पीसेस देखिए हमारे कितने अच्छे निकल रहे हैं। एक एक पीस हमारा निकल रहा है और बहुत सॉफ्ट बनी है ये बर्फी। लीजिए, बनके तैयार है। आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। नवरात्रि में आप इसे आराम से खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।